for those Tata Cancer patients, their relatives, this Dargah, Ismail Shah Baba, Dargah Parel offers lodging, boarding, meals twice a day at Rs. 50. It's an amazing place. They help the cancer patient mostly, and the cancer patient should be from Tata Memorial Hospital. Today I shot the cancer patients also, and thanks to Noora Bhai and Babu Bhai. Morning, good evening. Got the gist of this beautiful. I am at the Dargah. Way they are helping Baba. The people. Thank you. And I have shot videos trying to show you and trying to showcase to you what this Dargah is doing for people suffering from cancer. Now the thing was that I don't know many people here in this Dargah. I know this friend of mine who's shooting the video, Nihal. And because of him today, I've come here and I've taken permission from Babu Bhai, who's heading the NGO here. So what I want to tell you was that earlier I had misrepresented a few words, which I want to rectify now. I first was told by somebody that this place where there are 450 patients, cancer patients connected to Tata Hospital who are here, and the lodging and the boarding is 50 rupees. I was told it is only for Muslims, but now Babu Bhai has just told me that it is for everybody. It is not just Muslims. Aur sahab, ye kab se chal raha hai aapka? So he is the trustee of the entire complex, and all of them are good people. They are doing so much for society. और एक बात और है, जब अच्छा काम होता है तो मीडिया नहीं जाती है, क्योंकि मीडिया को कुछ और चाहिए. मैं तो मीडिया वाला बिल्कुल ही नहीं हूँ, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि अच्छा काम होता है, और ये अच्छे काम को फैलाना आपका काम है, दिखाना. क्योंकि ये बेचारे लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, ये आसाम से और उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, न जाने कहाँ कहाँ से ये लोग आए हैं और अपनी किस्मत ले के आए हैं, और यहाँ ये जो अच्छे तो ये नूरा साहब और शमीम खान साहब, बाबू साहब, ऑल दीज पीपल, ये सब इनके वो हेल्प करते हैं. और आप भाई साहब किधर थे? आप कलकत्ता से? कितने टाइम से? 8 महीने. यहाँ सुकून है आपको, सब अच्छा है, घर की याद आती है. सर आपका नाम क्या? ये सब कोलकाता, एंड ही हैज कम हियर. एंड नूरा भाई, Shamim Khan sahab, as I told you, are taking care of them. This is an amazing gesture of humanity, and this is the beauty of Islam, which is another name for humanity. Islam is not just for Muslims, it is for everybody. It respects everybody, and this is what they are doing. They are converting hearts, they are changing people's outlook. Ye logon ko help kar rahe, sabse badi cheez खुदा ने हमें दिया है, इसको इंग्लिश में कंपैशन कहते हैं, हमदर्दी. और ये हमदर्दी ऐसी है, ये सूफियाना मिजाज भी है. तो ये सब बेचारे लोग हैं, और ये मैं दिखाना चाहता हूँ. पहली बार मैं ऊपर आया हूँ, और ये सब आप लोगों की वजह से है. और मैं हमेशा, मेरी 4000 वीडियो है, 18 मिलियन मेरा व्यू है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अच्छे काम की को फैलाया जाए, लोगों को पता चला जाए कि ऐसे भी लोग हैं जो इस्माइल शाह बाबा की दुआओं से, उनकी निस्बत से अच्छा काम कर रहे हैं. जय महाराष्ट्र. हमारा मराठी होने अच्छा गर्व है. मराठा में रह. आपका नाम क्या है? नाम भावती बिस्कर. आप कहाँ से आए? गोरखपुर से. यहाँ सब ठीक है? और मैं चाह रहा हूँ, नहीं यहाँ पे सब तुमको कैसा, मैं चाह रहा हूँ कि आदित्यनाथ जी जहाँ भी हो, ठीक, आदित्यनाथ जी जहाँ भी हो उत्तर प्रदेश में, कम से कम बम्बई में ये झलक देखिए. इसको कहते हैं गंगा जमुना तहजीब. ये सूफियाना आस्थाना है बाबा इस्माइल शाह बाबा का, और ये नूरा, ये भाईजान, ये सब लोगों को हेल्प कर रहे हैं.
और यहाँ इन लोगों की मदद हो रही है 50 रुपये में, 50 रुपीज में इनको खाना और दो टाइम का रहना, ये टाटा के कैंसर पेशेंट्स हैं। तो ये है भाईचारा, और ये आपको बुरा ना मानिएगा, सिर्फ बम्बई में मिलेगा आपको। ये बम्बई में है जहाँ हिंदू को हिंदू नहीं कहा जाता है ना, जहाँ मुसलमान को मुसलमान नहीं कहा जाता है। हम इंसान हैं, अगर हम इंसान नहीं बने तो हैवान से भी बदतर। चलिए नाउ दिस इज शंकर प्रसाद, आप कहाँ से आ रहे हो? ये पटना जिला से आ रहे हैं, और नीतीश कुमार जी जहाँ कहाँ भी हों, ये भी ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा कि बम्बई में ये दरगाह का नाम है इस्माइल शाह बाबा, और यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता है, यहाँ इंसानियत देखी जाती है, यहाँ रूहानियत देखी जाती है, और इन लोगों का केयर किया जाता है। ये कैंसर पेशेंट्स, आपका कैंसर पेशेंट कौन आप? अच्छा, इज ए कैंसर पेशेंट, और यहाँ 50 रुपीज़ में इनका इलाज और इनका इलाज वगैरह सब किया जाता है, और मतलब इनको यहाँ रहने दिया जाता है, खाना पीना दिया जाता है, और इनका ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये इंसान है और ये हमारी तरह भारतीय है, ये हिंदू नहीं, ये मुसलमान नहीं, वी आर इंडियंस, और ये इंडियंस बन के हमारा फर्ज बनता है। और ये है इस्लाम का ऐसा पहलू जो कोई देखता नहीं है। इस्लाम के बारे में लोग बुरा देखते हैं, और वो जो भी देखते हैं, लेकिन ये अच्छाइयाँ को ढूंढना पड़ता है, अच्छाइयाँ ढूंढेंगे तो आपको अच्छाइयाँ मिलेंगी।